अच्छा नहीं, बहुत अच्छा मुहूर्त बताइए पंडित जी, जिसमें शंका की कोई गुंजाइश ही ना हो। बस वही देख रहा हूँ जजमान। क्या कर रही है मां, इतनी जल्दी क्यों कर रही है? अभी तो हमारे लक्ष्य के परिवार से आमने सामने बैठकर बात भी नहीं हुई। अभी निकलवाने में समस्या क्या है? हम तो सोच रहे हैं जब हम उनके घर जाएं तो पूरी तैयारी के साथ जाएं, ताकि सब कुछ तय करके वापस आ जाएं। माँ मैं तो अभी कह रहा हूँ कि हम पे भरोसा रखो मनीष बेटा, हम कह रहे हैं ना सब सही है। मुश्किल से जुड़ने वाले रिश्तों में आगे भी मुश्किलें आने के आसार होते हैं, इसलिए हर कदम फूंक फूंक के रखना चाहिए। एक समस्या है जजमान, क्या हुआ? कुंडलियां नहीं मिल रही? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस तिथि को लेके कुछ समस्या है। क्या समस्या है बताइए तो। देखिए विवाह इस माह के अंत तक हो जाना चाहिए, नहीं तो अगले सवा साल तक इनकी कुंडलियों में संयोग नहीं है। इस महीने के अंत तक तुम्हारी शादी करने की सोच रहे हैं, क्या तुम्हें मंजूर है? ये क्या कर रही हैं आप माँ? हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम उस पर कोई जोर नहीं डालेंगे। माँ जी प्लीज प्लीज ऐसे जल्दबाजी मत कीजिए, मुझे लगता है कि हमें इन दोनों को थोड़ा सा टाइम और देना चाहिए आपस में। हम तुमसे पूछ रहे कीर्ति, बताओ क्या तुम्हें मंजूर है? अगर आप ऐसे पूछेंगी तो मना नहीं कर पाएगी। वो जबरदस्ती कर रही है माँ, क्यों जल्दबाजी कर रही है? सबको एक बार ठंडे दिमाग से सोचने का मौका तो दीजिए प्लीज। तुम्हारी इस चुप्पी का हम क्या मतलब लगाए कीर्ति? माँ क्यों बार बार पूछ रही है उसे? इस तरह दबाव में आके कहीं वो कोई गलत फैसला ना ले ले। दबाव के बारे में हमसे मत कहो मनीष, दबाव तो तब होगा और बहुत ज्यादा होगा जब सवा साल इंतजार करना पड़ेगा, जब पल पल में मन शंकित होगा कि क्या इस रिश्ते का कोई भविष्य है, जब हर घड़ी समाज के तानों का डर होगा, रिश्तों की डोर छूट जाती है ऐसे में, तब होगा असली दबाव। तो मां कल के लिए हम आज अपना बस, तुम पिता हो लेकिन उसे पाला हमने है, उस नाते से भी और औरत होने के नाते से भी हम तुमसे ज्यादा समझते हैं उसे, तो हमें बात करने दो मनीष। कीर्ति तुम्हारे मन में जो भी है वो निसंकोच होके कहो, शादी करनी है नहीं करनी, इस महीने करनी है सवा साल इंतजार करना है, जो भी है एक बार कहो तो। और ये बिल्कुल मत सोचना कि ये सब इतने जल्दी कैसे होगा, वो तुम हम भी छोड़ दो, लेकिन तुम हमसे कहो तुम क्या चाहती हो। जो ठीक लगे दादी वो मुझे मंजूर है। मारी बेटी पंडित जी, आप कुंडली मिलान के फल के साथ साथ तिथि और मुहूर्त भी लिख दीजिए, हम खुद जाएंगे कीर्ति के होने वाले परिवार से बात करने। ओ मेरी रसगुल्ली कहाँ हो? नायरा मुझे छोड़ो गिर जाऊंगा। नायरा वो थैंक यू सो मच बैड भाई, आज से पहले आपकी इम्पोर्टेंस कभी नहीं पता थी मुझे, आज अपने मेरी नाक टूटने से बचा दी। फरमा ये मेरी बीवी, ये मेरी बीवी, ये मेरी हड्डियों का कचूमर बना के छोड़ दी। मुंह में रसगुल्ले भरो ताकि तुम बीच में मुझे डिस्टर्ब ना कर सको। ओके। पता पहले मुझे ना थोड़ी फ्योर्ड सी फीलिंग हो रही थी भाई को लेके, आज वो बिल्कुल ठीक हो गए। जब भाई ने दीजिए कुछ ऐसा कहा कि मेरी सारी टेंशन खत्म हो गई, अब सब ठीक है, बस इस महीने के आखिर तक उनकी शादी हो जानी चाहिए। दादी जा रही है घर पे बात करने,
बाकी सब लोग तो उनसे कह रहे थे कि अभी इतनी जल्दी ना करें, पर अगर अभी नहीं की ना तो 1.5 साल तक अगला कोई मुहूर्त नहीं है। दादी कह रही थी कि इतना वेट करना ठीक नहीं होगा, बाकी वो एक बार वहां भी पूछ लेंगे सबसे कि उन्हें क्या करना, कहीं किसी को कोई एतराज तो नहीं। मुझे क्या क्या कहा तुमने? मुझे एतराज है। मतलब? मतलब इतनी जल्दी क्यों करनी है शादी? 1.5 साल रुक सकते हैं ना, कोई कहीं भागे थोड़ी जा रहा। हाँ कार्तिक, कोई भागा नहीं जा रहा है, पर क्या कार्तिक, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। शादी तो करनी है, तो मुझे नहीं लगता कि आज हो या कल उससे कोई फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है ना यार, ऑफ कोर्स फर्क पड़ता है। हमें भी तो वक्त लगा था ना एक दूसरे को समझने में, उन्हें भी टाइम चाहिए। नायरा, मेरा इश्यू ये रिश्ता नहीं है, पर ये जल्दबाजी है। जल्दबाजी हमें लग रही है कार्तिक, पर अगर उनकी तरफ से सोचे तो ऑलरेडी वो लोग बहुत वक्त से अकेले हैं। शायद साथ हो जाने से ये शायद मेरा प्रॉब्लम है। नायरा, हम सब कुछ इस शायद के भरोसे तो नहीं छोड़ सकते ना, उन्हें एक दूसरे के साथ वक्त बिताना होगा, हमें उन्हें इतना टाइम देना पड़ेगा। अभी अभी ये रिश्ता तय हुआ है, कितना जानते हैं वो लोग एक दूसरे को। हमें नहीं भूलना चाहिए नायरा कि ये कोई नॉर्मल शादी नहीं है, दो ऐसे लोगों की शादी है जिनके दिल ऑलरेडी जख्मी है। अगर एक और जख्म मिला तो शायद वो लोग ये हर्ट सहन ना कर पाए। कहना आसान है, सहन करना बहुत मुश्किल। ये रिश्ता आसान नहीं है। कोई भी रिश्ता आसान नहीं होता कार्तिक। मेरी बात समझने की कोशिश करो नायरा। पिछली बार जब आदित्य के साथ कीर्ति का रिश्ता तय हुआ तो मैं उस पोजीशन पे नहीं था कि मैं कुछ बोल पाऊं, लेकिन अभी हूं और मुझे बोलना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन के साथ दोबारा ऐसा कुछ हो जो उसे और तकलीफ दे। पर ऐसा क्यों होगा कार्तिक, तुम क्यों ऐसा सोच रहे हो? ठीक खुश है और सब कुछ ठीक है, मन से ही हो रहा है। तुम बार बार उनके बुरे एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो, तो ये भी तो सोचो ना कि उस एक्सपीरियंस से उन लोगों ने कितना कुछ सीखा होगा। एंड आई एम श्योर वो दोनों ये चीजें हमसे ज्यादा समझते होंगे। खैर, मेरी और तुम्हारी बात करने से कुछ नहीं होगा, तुम जाओ, तैयार हो जाओ, सब लोग घर जा रहे हैं बात करने। ठीक है, जब सब कुछ तय हो ही गया है तो कर लो, मुझे काम है, जाना पड़ेगा। कंग्रेचुलेशंस, मैं बहुत खुश हूं आपके लिए। नैतिक जी, जब पहली बार रिश्ता जुड़ा था तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये दिन फिर से दोबारा आएगा। अच्छा है ना मनीष जी, अब तो हमारा रिश्ता दुगना पक्का हो गया है और मैं तो बहुत खुश हूँ, खास तौर पे बच्चों के लिए। हाँ, उनकी खुशी में तो हम सबकी खुशी है, इसलिए वो जितने जल्दी एक हो जाए हम सब निश्चिंत हो जाए। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, हम तो चाहते हैं कि बच्चे हमें जैसे बताए कि हम ब्याह के लिए तैयार है, हम तुरंत मुहूर्त निकलवा लेंगे। मुहूर्त तो निकलवाया है हमने और कीर्ति ने हाँ भी कह दिया है, बस अब नक्श को पूछना है। जी जी, हमने पंडित जी को बुलवाया था घर में कुंडलियां मिलाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि इसी महीने के अंत तक शादी हो सकती है, वरना फिर लंबे समय तक मुहूर्त नहीं है, तो अगर आप सबको मंजूर हो तो। नहीं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग। प्रॉब्लम क्या होगी मनीष बेटा, हम समझाते हैं आपको, आप समझ जाएंगे। क्या है, शादी तय करके लंबे समय तक इंतजार करना अच्छी बात नहीं है। हमने तो कार्तिक और नायरा के समय भी यही कहा था, चट मंगनी पट ब्या जी, वो सब तो ठीक है, पर थोड़ी जल्दी नहीं होगी? हमें थोड़ा समय दीजिए, हम सब साथ बैठकर सोच विचार करते हैं। अब हम तो एक ही परिवार है, अलग अलग से क्या सोच विचारना, जो भी है खुल के कह देते हैं। या फिर ऐसा कीजिए, हम दूसरे कमरे में चले जाते हैं, आप सोच लीजिए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम तो बस वो। हाँ हाँ, हम समझ गए, आप नक्श से पूछना चाहते हैं, हम अभी पूछ लेते, बात अभी खत्म हो जाएगी। नक्श बेटा, तुम्हें कोई एतराज नहीं है ना इस महीने में शादी करने में?
हम कीर्ति से पूछ के आए हैं, वो तो राजी है। अगर तुम्हें कोई एतराज हो तो बता देना, हम कीर्ति को समझा देंगे। नर्वसनेस है या क्या, फिर कोई प्रॉब्लम बताइए भाई, आप मुझसे तो कह ही सकते हैं, कुछ तो है, सच सच बताइए क्या भाई, क्या चल रहा है आपके मन में, प्लीज बोलिए भाई, मैं आपसे कुछ पूछ रही, बताइए क्या है सच है? प्लीज बोलिए, आपको मेरी कसम है, हमारी पोती घर छोड़ के चली गई सिर्फ तुम्हारी वजह से, कलेश हो जाएगा घर में और ज्यादातर थारे और कार्तिक के रिश्ते पर वहां का असर पड़ेगा। भाई आप सुन रहे हैं ना, मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे, भाई बोलिए प्लीज। ये क्या करने जा रहे हो नक्श, रुक जाओ, कुछ मत कहो, चुप रहो बिल्कुल, नहीं तो बहन की लाइफ खराब हो जाएगी। हाँ भाई खुल के बोलिए। क्या बताऊ नायरा, शादी की बात सुनते ही डर सा लगता है, मेरा पास्ट मेरे सामने आ जाता है, याद आता है वो दिन जब मेरी शादी टूटी थी, मैं मंडप में तैयार बैठा था और वो आई एम सॉरी, मुझे पता है पास्ट को बुलाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन हमें आगे तो बढ़ना ही पड़ता है ना, लाइफ रुक तो नहीं जाती भाई, आपको एक नया मौका मिला है, अगर आपको ठीक लगता है तो ही हाँ बोलिएगा, वरना ना कह दीजिएगा, लेकिन फैसला वही हो जो आपको ठीक लगता है, जिससे आपको खुशी मिले, ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि कोई क्या कहेगा, मैं हूं ना, मैं समझाऊंगी सबको, बस आप मुझे यकीन दिला दीजिए कि आप जो कह रहे हैं वही चाहते भी हैं। नायरा क्या हुआ, क्या कहा नक्श ने? जी वो भाई घबरा रहे हैं कि परसों पहले जो वो बात आज भी उन्हें परेशान कर रही है, पर उन्होंने कोशिश की और अपने डर पे काबू पाया और हाँ कह दी, भाई शादी के लिए रेडी है। वो बात जिससे मेरी बहन की मेरी फैमिली की खुशी जुड़ी है मुझे मंजूर है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक, स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।